एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 सम्स हैं और लास्ट वीडियो में हम 5 सम कवर करके हैं। आज हम रिमेनिंग जो 5 सम है वो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसकी मीनिंग समझो। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास नीचे नंबर दिए गए हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने 5 सम करवाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास 5 सम करके हैं, हम 6 से करेंगे। अभी 6 नंबर हमारे पास ये है, तो देखो 6 नंबर हमें दिया हुआ है 9604। कौन सा डबल लगाओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 का डबल लगाओ, 2 4 8, 2 8 16, 0 7 2 2 जा, ओके, फिर 2 2 जा 2 4 जा 0 2 1 जा। ठीक है, तो पीछे वन आ गया, 3 का डबल, पर 3 का डबल लगाऊंगा तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, 0 1 को तो लगेगा नहीं 3 का डबल, तो 7 का डबल लगाओ, 5 का भी नहीं लगेगा क्योंकि पीछे 5 होता है तो ही 5 का डबल लगता है, तो 5 का भी डबल नहीं लगेगा, तो 7 का लगाए हम, 7 3 जा 21, 3 कैरी करूंगा बराबर है, 7 का डबल लग रहा है। ओके, ऐसे सोचना पड़ता है आपको, पीछे 1 ऑड नंबर है तो 3 का डबल, 5 होता पीछे तो 5 का डबल कंपलसरी लगेगा, पीछे 5 मींस लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है उसमें 5 या 0 तो कंपलसरी 5 का डबल लगता है। ओके, और अगर जो ऑड नंबर है इवन होता तो 2 का डबल लगता है, ऑड नंबर है तो आपको सोचना पड़ेगा 3 की डबल, 7 की डबल, इस तरह आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पे 7 की डबल लग रही है, मैं 7 का डबल लगा रहा हूं। ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो यहां पे 3 करूंगा, 3 कैरी करूंगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी करूंगा, 7 3 जा 21, ओके, फिर 7 का डबल लगाओ, 7 4 जा 28, 6 कैरी करो, 7 9 जा 63, फिर 7 का डबल, 7 7 जा 49, 7 का डबल, 7 1 जा 7, ओके, तो इस तरह आपके फैक्टर आ गए। तो हमारे फैक्टर क्या निकले? 9604। तो उसके फैक्टर हमारे क्या निकले? 2 × 2 एंड 7 × 7 × 7 × 7 × 7 4 डाइन, तो इसकी पेयर बनाएंगे हम, इसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया पेयर बना दें, तो 2 × 2 मतलब 2 की स्क्वायर, 7 × 7 मतलब 7 की स्क्वायर, 7 × 7 मीन 7 की स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 × 7 × 7 होल स्क्वायर कर सकता हूँ, एक ही बार स्क्वायर करूँ। अभी इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 7 जा 14 14 7 जा 98, ओके, तो क्या होगा 98 उसकी स्क्वायर, इस तरह होगा। तो अभी कहने का मतलब 9604 उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 98 हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर सम कंप्लीट हो गया। अभी हम 7 नंबर करेंगे। 7 नंबर में क्या है हमारे पास? 7 नंबर में हमें दिया हुआ है 5929, उसके फैक्टर निकालने हैं हमें 5929, तो पीछे 9 है तो 3 का डबल लग सकता है, पहले सोचे हम 3 1 जा 2 कैरी किया, 3 9 जा 2 कैरी किया, नहीं लग रहा है 3 का डबल, नहीं लग रहा है तो 7 5 की तो लगेगी नहीं, मैंने आपको बताया पीछे कंपलसरी यूनिट डिजिट पे 5 या 0 हो तो 5 का डबल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो 7 का डबल लगे, देखे हम 7 8 जा 56, फिर 3 बचे 7 जा, हाँ लग रहा है बरोबर है, 7 का डबल लग रहा है। आप देखो 7 का डबल लगाओ मैं तो 59 पे 7 8 जा 56, तो 3 बचे 59 में से 56 करो, फिर 7 4 जा 28, 4 बचे, फिर 7 7 7 7 जा 49। ठीक है, तो फिर से 7 का डबल लगाएंगे, 7 1 जा 1 कैरी किया, 7 2 जा, बराबर ना, 7 1 जा, फिर 7 2 जा, फिर 7 1 जा, फिर 121 आ गया, किसका डबल लगेगा? 11 का डबल, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, प्राइम नंबर बताते 11 की स्क्वायर 121, 13 की स्क्वायर 169, 17 की स्क्वायर 289, 19 की स्क्वायर 361, ऐसे मैंने बताया, 23 की स्क्वायर 529, 29 की स्क्वायर 841, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको बोला था कि लिख लेना, ठीक है ना, तो इसमें 11 का डबल लगेगा, तो 11 का डबल लगाऊं मैं, 11 जा 121, 11 का डबल 11 1 जा, तो कहने का मतलब 5929 उसको
क्या आया 7 × 7 11 × 11। तो इसकी पेयर बनाओ, इसकी पेयर बनाओ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 11 × 11। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 × 11 होल स्क्वायर, एक ही बार स्क्वायर दू, तो 7 × 11 × 77 × 77 ऐसा लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब 5929 उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 77 हुआ। ओके, तो इस तरह हमारा 6 नंबर एंड 7 नंबर दो सम कंप्लीट हो गए। अभी हम आगे करेंगे, अभी हम 8 नंबर करेंगे। तो देखो हमारे को 8 नंबर क्या मिला हुआ है, 8 नंबर है 9216। तो देखो किस तरह करेंगे, 8 नंबर है हमारे पास 9216, तो इवन नंबर है तो 2 का डबल लगेगा, पीछे 6 है इवन नंबर है तो 2 का डबल लगेगा, तो 2 का डबल लगाए हम, 2 4 जा 8 2 6 जा, फिर 1 पे नहीं लगेगा, 1 पे कभी भी नहीं लगे तो 0 लेते हैं, 2 का डबल 1 पे नहीं लगेगा तो 0 0 लेके फिर दोनों साथ में लेते हैं 2 8 जा, बराबर ना, जैसे डिवाइड करते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर 2 का डबल लगाऊ मैं, 2 2 जा 2 3 जा 0 2 4 जा, फिर से 2 का डबल लगेगा, 2 1 जा 2 1 जा 1 कैरी किया, 2 5 जा एंड 2 2 जा, फिर से 2 का डबल लगाओ, 2 5 जा 1 कैरी किया, 2 7 जा 1 कैरी किया, 2 6 जा, फिर 2 का डबल लगाओ, 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, ओके, 2 1 जा 4 जा 4 जा, फिर 2 7 जा 2 जा, फिर 72 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 72 को लगाओ, 72 आया, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 का 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। इस तरह आपको फैक्टर निकालने, टेबल लगाना, ठीक है ना, इस तरह प्राइम फैक्टर निकालने। अभी इसमें आ जाओ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 जो है वो 10 टाइम आया एंड 3 2 टाइम्स आया, मींस कैसे, कहने का मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 9216 equals to 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
10, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पेयर बनाओ, इसकी पेयर पेयर यहाँ पे पेयर बना दो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की स्क्वायर रख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 की स्क्वायर रख सकता हूँ। इसी तरह इसमें 2 की स्क्वायर, इसके लिए 2 की स्क्वायर, इसके लिए 2 की स्क्वायर, इसके लिए 3 की स्क्वायर, ओके। फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 5 बार लिखूं, 1 2 3 4 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर कर दूं, इस तरह होगा ना होल स्क्वायर, ओके। इस तरह हुआ होल स्क्वायर, एक ही बार रखा स्क्वायर। फिर इन सबका मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 96 की स्क्वायर। तो कहने का मतलब 9216, उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, 96 होगा, ओके। तो इस तरह हमारा ये 8 नंबर हो गया। अभी हम आगे करेंगे, अभी इसी तरह हम 9 नंबर करेंगे, ओके। तो 9 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, 529। अभी 9 नंबर में आपको 529 दिया हुआ है, 529 को कौन सा डबल लगता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया थे, 529 को 23 का डबल लगेगा, 23 × 23 करोगे तो 529 आएगा, ओके। तो 23 का डबल लगेगा, 23 जा एंड 23 वन जा, इस तरह होगा। मीन्स 529 इक्वल्स टू 23 × 23, उसकी पेयर बन गई, मीन्स 23 की स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 23 होगा, ओके। इस तरह ये 9 नंबर हो गया। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो प्राइम नंबर है, जैसे कि 11 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर, 23 की स्क्वायर, 29 की स्क्वायर, आपको बताई थी, मैंने बताया लिखना, ओके। उसमें आप चेक करना, 529 इक्वल्स टू 23 की स्क्वायर लिखा है मैंने, मीन 23 स्क्वायर इक्वल्स टू 529 लिखा है, तो 529 को 23 का टेबल लगेगा, ओके। अभी इसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास 10 नंबर है, 8100 है। तो उसको हम कौन सा डबल लगाएं, 2 का भी लगा सकते हो, 3 का भी लगा सकते हो।
और पीछे जीरो आता है, चलो टू का डबल लगाते हम, ठीक है। तो मैं टू का डबल लगाऊं तो टू फोर जाए वन पे नहीं लगेगा, वन पे नहीं लगेगा तो जीरो, जीरो देने के बाद दोनों साथ में लेना है, ठीक है। टू फाइव जा फिर ये जीरो से, तो ये दोनों ध्यान रखना आप, हाँ यहाँ पे बीच में जीरो आएगा जैसे आप डिवाइड करते हो, इस चीज का ध्यान रखना। फिर टू का डबल लगाऊं, टू टू जा जीरो से, टू टू जा वन के, टू फाइव जा, ओके। अभी पीछे फाइव आ गया तो फाइव का डबल लगेगा, ठीक है। तो फाइव का डबल लगाऊं, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फिर फाइव का डबल टू पे नहीं लगेगा, जीरो देना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में फाइव फाइव जा, ओके। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। फिर क्या होगा, फाइव का डबल फाइव एट जा फोर्टी, फिर फाइव वन जा, ठीक है, ओके। अभी एटी वन है, नाइन का डबल लगा लो, थ्री का डबल लगाओ थ्री भी लगेगा, थ्री टू जा थ्री टू जा टू कैरी करो, थ्री सेवन जा फिर से थ्री का डबल, थ्री नाइन जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा। तो देखो टू का टू में निकला टू, फाइव में निकला फाइव एंड थ्री फोर टेन है, मीन्स एटी वन हंड्रेड इक्वल्स टू क्या हुआ, टू मल्टीप्लाई टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इस तरह हुआ। तो इसमें टू की पेयर बनी फाइव की पेयर, थ्री की पेयर थ्री की पेयर, तो टू की पेयर मीन्स टू की स्क्वायर, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मीन्स फाइव की स्क्वायर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री की स्क्वायर, ये भी थ्री की स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री होल स्क्वायर, एक ही बार स्क्वायर रखू। अभी इन सबका इंटू करूं, टू फाइव जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी थ्री जा नाइनटी, मीन्स नाइनटी की स्क्वायर होगी, मीन्स एटी वन हंड्रेड का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, नाइनटी होगा, ओके। तो इस तरह हमारे यहाँ पे नाइन और टेन दोनों सम कंप्लीट हो गए, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर है जिसमें हम हमारे दस सम दे, लास्ट वीडियो में पांच सम किए और इस वीडियो में पांच सम किए, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जब आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।